With a list of Congress candidates for the upcoming Lok Sabha elections going viral on social media, the Haryana Congress chief has clarified that the list is a fake one and that the final list of the candidates will be announced soon by the party. "We will also take action and ask to take cognizance of the whole matter," said the Congress chief, and added that the party have brainstormed on Haryana tickets and the list will come soon. वायरल हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? उस लिस्ट में कोई सच्चाई नहीं है, वो फेक लिस्ट है और उसका हम संज्ञान ले रहे हैं गंभीरता से, उसकी जांच कराई जाए और इसमें किसका ये षड्यंत्र है जो पार्टी की छवि को खराब करना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है किसका षड्यंत्र हो सकता है? किसी का भी हो सकता है, वो तो जाँच का विषय है, जाँच करने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जो ये सूची बिल्कुल फर्जी है और अभी जो अधिकृत सूची आएगी आने के बाद में आपका अवगत कराएंगे। अगर इसको लेकर कंप्लेंट भी आपकी तरफ से दर्ज कराई जाएगी? इस पर विचार किया जाएगा, इसको पहले ये कहाँ तक जांच कराएंगे तो फिर जरूरत पड़ेगी जहाँ पर वो कंप्लेंट कराई जाएगी। हर कोई कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार कर रहा है, सब कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है, आखिर कब तक जो है कांग्रेस की लिस्ट हरियाणा की आ जाएगी? अभी तो इलेक्शन शुरू भी नहीं हुआ, लिस्ट आएगी सही समय पर, सही वक्त पर आएगी, सही कैंडिडेट आएंगे, जिताऊ कैंडिडेट आएंगे। 29 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होंगे, उससे पहले कभी भी लिस्ट आ सकती है। लेकिन कांग्रेस ने अपने अभी तक उम्मीदवारों का चयन नहीं किया है, लिस्ट नहीं आई है, लेकिन बीजेपी तंज कस रही है इसको लेकर। सभी उम्मीदवारों का चयन हो चुका है, उनका नाम देना है, वो हम अपने हिसाब से मुहूर्त निकालेंगे, बीजेपी से पूछ के नहीं।